सभी दोस्तों का स्वागत है, वेलकम बैक। आप लोगों के लिए बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर रहा हूं, इनको आप देख लें। और अगर आपको वीडियो की स्पीड ज्यादा लगती है तो वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन पेपर को देखें। जो ये क्वेश्चन पेपर है इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप अपने बोर्ड की प्लेलिस्ट में, क्लास वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपकी सपोज करें आप एमपी बोर्ड से, तो एमपी बोर्ड क्लास 10 एग्जाम पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी। अगर आप आरबीएससी बोर्ड में हैं तो आरबीएससी क्लास 10th एग्जाम पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी। सारी की सारी पेपर्स की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है आपको सब्जेक्ट की, उसके क्वेश्चन पेपर्स आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन पेपर, आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है 2019 के, 18 के, 17 के, प्लस सॉल्यूशंस, और जो आपके लेटेस्ट पेपर एग्जाम हो रहे हैं उनके भी सॉल्यूशंस और उनके क्वेश्चन पेपर सभी इस जो चैनल पे अवेलेबल करा रहा हूं मैं। चाहे वो आप किसी भी बोर्ड से हो वो इशू नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। और दूसरी बात बता दूं मैं आपको, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं लगती या साफ नहीं दिखाई देती, चाहे कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो उसके लिए बता रहा हूं मैं। तो उन वीडियोस को देखने के लिए जब आप वीडियो कोई भी प्ले करते हैं, तो प्ले करते समय या प्ले करने के बाद अगर वीडियो पे टैप करेंगे तो वीडियो के चार कोने होते हैं, चौथे कोना जो आपका होगा राइट हैंड का ऊपर वाला कोना, चौथा कोना जो राइट हैंड में ऊपर वाला होगा, वहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वीडियो पे, एक बार वीडियो पे क्लिक करते ही वहां पे तीन डॉट दिखाई देंगे, उन तीन डॉट पे एक बार क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि एक नया विंडो खुला हुआ है, छोटा सा पॉप विंडो वहीं पर, और उस पर लिखा है क्वालिटी का ऑप्शन। उस क्वालिटी के ऑप्शन पे क्लिक करें, वहां पे आप देखेंगे 144 से क्वालिटी शुरू होते 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 बढ़ती जाएगी, तो आप कम से कम 380 या फिर 420p सेलेक्ट करें। जितनी बढ़िया क्वालिटी चाहिए उतना ज्यादा आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक बिल्कुल HD में चलने लगेगा। लेकिन आपकी स्पीड जो है वो नेट के ऊपर डिपेंड करती है, नेट आपका ठीक ठाक चल रहा है तो आपके वो क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे, वो चल जाएगी। तो आशा करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं उसकी क्वालिटी इसी तरह से सही होती है। अब इस पेपर की बात करूं तो ये जो पेपर है, अगर आप देख पा रहे हैं तो इन पेपर्स के सारे क्वेश्चंस को देखिए, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी देखिए। तो उसमें क्या है, आपको एक वैल्यू और एक फायदा होगा। जिन्होंने एग्जाम दे दिया वो तो डायरेक्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के अंदर प्रोवाइड करा रखी है। और जो क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं ये क्वेश्चन पेपर देखने का बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट ये है, मैं हर क्वेश्चन को आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है। आप खुद देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चन आए, उससे लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन आए, उससे लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन आए। तो आप अगर 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि इसमें कॉमन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, प्लस कौन सी टेंडेंसी है, कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो इस साल वो क्वेश्चन रिपीट होगा या इस साल नया जो क्वेश्चन आएगा वो। प्लस आप अगर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व करते हैं उसी ड्यूरेशन में है, जैसे कि आप मान लीजिए एक क्वेश्चन पेपर का टाइम दे रखा है 3 घंटे का, तो 3 घंटे में ही आप उस पेपर को सॉल्व करते हैं। अगर आपने 4-5 पेपर सॉल्व कर दिए एक महीने के अंदर अंदर, प्रैक्टिस करते 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 आपने 3 घंटे में 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि आप एग्जाम में जाकर के 3 घंटे आपको बहुत ईजी लगेंगे। आप सोचोगे कि मैं तो 2.5 घंटे में पेपर कर दूंगा। तो ये बेनिफिट होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखने का। प्लस दूसरी बात, जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको क्वेश्चन आए या ना आए, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है, चाहे वो गलत करें आप। देखिए, आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे, आप नहीं करेंगे उस क्वेश्चन को, तो 0 मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चन को कर दिया और गलत भी कर दिया और बाय चांस एग्जामिनर ने उसमें मार्क्स दे दिए, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो गए, आपको तो प्रॉफिट हो गया। बट एक चीज और बताता हूँ क्यों करना जरूरी है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स के पासिंग मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं, तो वो होते हैं ग्रेस के इंतजार में, उनको चाहिए ग्रेस। अब ग्रेस कैसे मिलेगी, तो ग्रेस लेने के लिए कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए जिसमें अगर टीचर ने आपको मार्क्स दे दिए हैं लेकिन अब मार्क्स बढ़ाने हैं, उसको आपको ग्रेस से पास करना है, आप अटक गए हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है ये एक छोटा सा
जो लॉजिक है उसमें होता है क्वेश्चन गलत पे मार्क्स देना, ताकि टीचर ब्लैंक कॉपी पे मार्क्स नहीं देगा, कहीं ना कहीं गलत आंसर में भी मार्क्स दे सकता है आपको पास करने के लिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी का रूल होता है कि जो बच्चे एक या दो नंबर से तीन नंबर से रह जाते हैं उनको ग्रेस मार्क्स दे करके कम से कम दो सब्जेक्ट में पास किया जाए, यानी कि छह सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है तो उसमें से दो सब्जेक्ट में आपको 1% ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो उन तक पहुंच पाए। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहें इस चैनल के साथ। मोर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे और आपके मैसेज बॉक्स में होगी, तो उसके लिए तैयार रहें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एग्जामिनेशन के लिए आपके बेस्ट ऑफ लक।